ले भाई तीसरा ग्रुप आ गया, पूछ ले भाई इन पे कैक पकड़े भाई। 77 भाई 77 किस तरह बजाओ, उल्टे सीधे कितने बालक बचाओ भाई? 200 बजाओ है उल्टा सीधा, कोई सीन सा ना, कुछ नहीं भाई, आराम उल्टा बिठा के सीधा बजाओ, कोई सीन भाई 45 का टाइम दे भाई। एक्सीलेंट में कितने पकड़े भाई? गाड़ी उड़ी ले जाने दे ब्रेक ना भाई, ना गाड़ी ना खड़ा ना चाहे कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जा साइड भीतर ब्रेक सही प्रदर्शन की साइड भीतर वो जी फाजी सही सारा स्टाफ दिया कभी 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 मस्त माहौल में चल जाते हैं ग्रुप कितना का बनाया भाई? 200 का। ये कितने बैठे भीतर ग्रुप भाई? कम से कम भाई 5 ग्रुप और है। 5 ग्रुप और एंट्री बंद होगी कि आवत थे भाई भी? पता नहीं होता देगा। एंट्री कर दे कितने बजे? 3000 बालक आज रेवाड़ी रेवाड़ी वाले सारे आज रेवाड़ी खा के एंट्री कर दे कितने बजे दे भाई? एक घंटा नॉर्मल। रानम भाई भाई चौथा ग्रुप आया है, ये भाई आया है चौथा ग्रुप के, बताओगे क्या पकड़े क्या नहीं भाई? भाई बालक तो बतेरे पकड़े हैं। हाँ भाई बालक पकड़े हैं। अच्छा पर मारी तो तैयारी नहीं आई थी। तैयारी कौन थी? हम तो इस भाई ने लेकर आया है कि भाई करवाना है और बाकी एक मार भाई नहीं है कि लागी पहला नंबर मारियो है चौथा ग्रुप में। चौथा ग्रुप में ये डांट रहा कैक पकड़े है भाई? भाई कम से कम महीना साठ का एवरेज तो आई। टाइम कितना दिया भाई? टाइम बढ़िया दे रहा हूँ भाई, ताकि घूमने जाना आ रही का भाग रहा हूँ, बढ़िया टाइम है भाई। किसने दिया भाई? भाई नहीं ने दिया है। नहीं जाट रहा को छोड़ो। कितका भाई? जाट रहा जाट रहा की रेवाड़ी प्रॉपर नहीं थोड़ा का नहीं नहीं अमन नहीं अमन का हमारे छारे यूनिक बिक के चैनल का नाम है भाई। कब डल जाएगी वीडियो ला भाई? और बताओ कि मैं क्या होया इस तरफ पहुंचे भाई ग्राउंड में? हां भाई हर नंबर मारा पीछा पड़ा। हां पीछा पड़ते हुए भागन लाग गए तो भाई हाथ पांव मार लागे पड़ गए। अच्छा पड़ गए सारे एकदम तेरी कब देखे सारे एकदम अरे एकदम तेरी आगे ऊपर चढ़े तो हम भी पड़ के चोट छिलगा भाई हमारे हाथ छिलगा। हाँ। फिर आना चार चक्कर मारे पर रस्ते पर टक्का फौजी भाई की भी कई रिस्पेक्ट भाई उनने कुछ नहीं करा भाई। अच्छा सही बतावा अरे हमने आ गया भाई बाहर मौज ले पकड़े है भाई बालक 59-60 इतने पड़ता चौथा ग्रुप में। टाइम कितना दिया भाई? टाइम भाई बढ़िया दिया थे मतलब 5:30 5:30 का टाइम नहीं बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया टाइम दियो बहुत बढ़िया। हाइट टू हिट में के छूट हाइट में भाई कुछ ना दी 170 मतलब सारो काम फिट अप बढ़िया तरीके से। एनसीसी वाले ने कोई छूट गेम वाले ने भाई बेरा अंदर का कुछ छूट तो है भाई इनके छूट है थोड़ी मतलब टेस्ट नहीं होता बताओ इसका एनसीसी का टेस्ट मतलब हाइट में पूछूं भाई की मैं हाइट में बताओ भाई मांग रहा कि 70 कर रहा है 70-69 कर रहा है कितनी कर रखे भाई? अच्छा 70 तो है 70-69 और भाई एक आइए लाला बोलो भाई। मेरा नाम राहुल है मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहता हूं मैं नांगल मुंडी है मेरा नांगल मुंडी। हां भाई 20-25 लड़के तो थे जो विनय सराम थे हमारे थे। हां भाई हम भी रास्ता 12 बार का ग्रेस लग गई। अच्छा भाई भाई मेरा चौथे चक्कर में सिर्फ 100 मीटर की गए 100 मीटर का रह गया 100 मीटर का रह गया। तैयारी किसकी थी भाई? भाई पीछे देख भाई ने धक्का मारा। हां भाई मेरा पैर रिपट गया मैं गिर गया जिसने मेरे कितने पकड़े भाई? 5 मां ग्रुप में भाई इसमें पकड़े 40-50 का लगभग। टाइम कितना दिया भाई? भाई 5:25 5:25 का लगभग टाइम आया भाई बढ़िया टाइम दे रखा भाई ने 5:25 बढ़िया टाइम है भाई। पिछला बैच में सर पिछला बैच में बस 60 पकड़े थे 60-70 भाईयो भाई आए एकेडमी है भाई साहब की भाई अलवर साइड भाई बताओ भाई प्रॉपर एड्रेस है किस है अरे क्या प्रोसेस है भाई एकेडमी में क्या की तैयारी कराओ भाई स्पेशल वो बताओगे भाई? सबसे पहले भाई आप सभी युवा साथियों को मेरे एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो आज इस भर्ती रैली भर्ती के अंदर तैयारी करके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जिन्होंने। मैं सत्येंद्र चौहान हूँ HSDA कोटकासिम से। मेरी फिजिकल एकेडमी है वहाँ पर रिटर्न की तैयारी भी कराई जाती है और फिजिकल की भी कराई जाती है। तो आज मेरी एकेडमी के कम से कम अभी तक मेरे पास में जो डाटा आया है अभी तीन ग्रुप दौड़ चुके हैं जिनमें से 30 बच्चों का फिजिकल अभी तक क्लियर हो चुका है। आपको पता होगा भाई पहला दूसरा तीसरा में कितने कितने बालक पकड़े? तो फर्स्ट बैच में अभी बच्चों के जरिए हमें पता लगा कि फर्स्ट बैच में 97 बच्चे पकड़े गए हैं और सेकेंड ग्रुप में जो पकड़े गए हैं 71 बच्चे हैं और थर्ड में भी इतने ही पकड़े गए हैं समथिंग। यानी कि बच्चे खूब पकड़ रहे हैं अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जो बच्चा मेहनत कर गया है ना जिसने चार चक्कर बढ़िया लगाए हैं सभी का फिजिकल लग रहा है। तो भाइयों आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो जी लगा के मेहनत करना आपका भविष्य भी ज़रूर उज्ज्वल होगा दोस्तों।
आपके एकेडमी वाले का भाई एक्सीलेंट में हुआ फीचर गुड में। अभी देखो इतना डाटा तो मेरे को मिला नहीं है कि एक्सीलेंट में लगाया कि सेकंड ग्रुप में लगाया, बाकी ये है कि 30 बच्चों ने अभी तक फिजिकल क्लियर कर चुके हैं। कितने का आए थे आपके वहाँ से? करीब करीब मेरे पास में 65 बच्चों का बैच था इस बार। 65 में से 30 30 बच्चों का भी फिजिकल हो चुका है। और कुछ आप बोलना चाहोगे? और मैं देखो जितने भी यहाँ पे युवा साथी खड़े हैं इनसे भी यही बोलता हूँ कि भाई दिल से तैयारी करी हुई ना कभी मार नहीं पाओगे। जो भी बंदा दिल से तैयारी करते हो ना, हाँ, जो बंदा दिल से तैयारी करता है उसकी मेहनत जरूर सफल होती है। तो आपसे मैं यही बात बोलूँगा, कभी भी तैयारी कर रहे हो दिल से करो, मेहनत करो, बढ़िया आराम से अपने बढ़िया डाइट वाइट खाया करो और बढ़िया तैयारी कराया करो। ठीक है, आप कहाँ आपकी कहाँ एकेडमी? मेरी एकेडमी राजस्थान में पड़ती है, अलवर के अंदर कोटकासिम है, एक क्षेत्र है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र भी नहीं है। HSDA के नाम से है, HSDA कोटकासिम से अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे हमारी एकेडमी है। किसी भाई को आना हो तो मोस्ट वेलकम। क्या शुल्क है सर? देखो एकेडमी की फ़ीस है 7,000 रुपये है फीस है, उसमें आपको नहीं नहीं मंथली 7,000 रुपये फीस है, उसमें आपका रहना खाना प्लस कोचिंग की तैयारी, एकेडमी फिजिकल प्लस में कोचिंग दोनों को करते हैं। ठीक है, फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी भी करवाते हैं। तो कोई भाई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एकेडमी का नाम HSDA कोटकासिम।